sufferings I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च रुड़की की ओर से आप सभी अजीज भाइयों बहनों का आज के इस अहम संदेश में प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं और चर्च की ओर से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु आपको बरकत दे, आपके घरों में उजियाला हो, दीपक जलते रहे। इसी विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रथम स्थान देते हुए प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, प्रथम स्थान तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, क्योंकि तू ही हमारा स्वर्गीय पिता है। तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज संदेश में पाए जाते हैं, जो संदेश का विषय है प्रेशियस प्रॉमिसेस इन ओल्ड टेस्टमेंट। प्रभु यीशु, हमें बोलने की सामर्थ्य देना, सुनने वालों को बरकत देना। इस यूनिट पे तेरी बरकत हो, जहां से ये चैनल आप तक पहुंचता है। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु में आप सभी भाइयों का स्वागत करते हुए आज का जो संदेश है, वो संदेश हमने लिया है प्रेशियस प्रॉमिसेस इन ओल्ड टेस्टमेंट। आज का जो संदेश है, ओवरऑल जो मेन है वो है प्रेशियस प्रॉमिसेस इन द बाइबल। पवित्र बाइबल के अंदर प्रभु परमेश्वर के किए हुए वायदे। यूं तो बाइबल के अंदर 66 बुक्स हैं, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट में सुसमाचार, फिर मिनिस्ट्री ऑफ अपोस्टल्स और बुक ऑफ रेवोल्यूशन। हमने इस समय, ताकि अधिक से अधिक परमेश्वर के वायदों को हम ध्यान दे सकें, मेडिटेशन कर सकें, इसके लिए हमने इस संदेश को चार भागों में डिवाइड किया है। पहला है प्रेशियस प्रॉमिसेस इन ओल्ड टेस्टमेंट। पुराने नियम में प्रभु परमेश्वर के कीमती वायदे। दूसरा संदेश जो एक हफ्ते के बाद जाएगा वो है प्रेशियस प्रॉमिसेस इन द गॉस्पल। सुसमाचार में
प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से जो वायदे किए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तीसरा, प्रेशियस प्रोमिसेस इन द मिनिस्ट्री ऑफ अपोस्टल्स। प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा प्राप्त करने पर जो प्रेरितों ने सेविकाई करी, पौलुस, यूहन्ना, पतरस, याकूब, जूड, उन वायदों को हम तीसरे संदेश में आएंगे। और चौथा संदेश है प्रेशियस प्रोमिसेस इन बुक ऑफ रेवोल्यूशन, जो कि डिवाइन पावर के द्वारा दिए गए, ईश्वरीय पावर, त्रिएक परमेश्वर, जहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो परमेश्वर ने इसलिए दिया कि वो स्वर्गदूत आने वाली बातों को बता सके। चौथा बहुत ही खास होगा, जो करीब एक महीने के बाद होगा। देखिए, ये प्रयास काफी दिन से चल रहा था कि हम प्रभु यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर के वायदों को, और हम लोगों ने, परिवार ने, बेटे ने हमारे बड़ी मेहनत करी इसके लिए, और पहले लॉकडाउन में, दूसरे लॉकडाउन में हम ये बराबर तैयारी करते रहे। इस तरह से हमने ये तैयार किया है, एक पेज है केवल, वन पेज, और इस वन पेज में 40 प्रोमिसेस ऑफ गॉड इन ओल्ड टेस्टमेंट, 40 परमेश्वर के कीमती वायदे जो ओल्ड टेस्टमेंट में दिए गए हैं। यो तो सैकड़ों हैं, बहुत वायदे हैं 39 बुक्स में, लेकिन हमने समय को देखते हुए, समय की मांग के अनुसार हमने, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इस समय थर्ड वेव बिल्कुल सामने सुनने में आ रही है, संकट का समय, अनिश्चितता का समय। परमेश्वर ने अपने सेवक को प्रेरित किया कि ये केवल एक पेज है बस, जिसको मैं इस सर्मन में, सर्मन के साथ साथ YouTube पर आपके पास ये पेज भी चला जाएगा, जिसमें 40 प्रोमिसेस हैं। और इसके बाद अगली बार गॉस्पल में, अपोस्टल्स में, और फिर रेवोल्यूशन में, इस तरह से एक एक पेज तैयार किया है। और पर्पस केवल इसका इतना ये है कि कठिन समय में इन वायदों को, क्योंकि ये इतनी मोटी बुकलेट नहीं है, केवल वन पेज, 40 प्रोमिसेस जेनेसिस टू मलाकी, टाइमली मैसेज, एक पेज है, बड़े आराम से बाइबल में रखा रहेगा, सुबह शाम मेडिटेशन के लिए कठिन समय में इन्हें निकालते रहिए, मॉर्निंग डिवोशन में इनको पढ़ते रहिए, शाम को पढ़ते रहिए मेडिटेशन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 50वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत हमें बताती है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छोड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। देखिए, तीन चीजें यहां पर पाई जाती हैं। संकट के दिन, जैसा आप जानते हैं समय को कैसा चल रहा है, किस तरह की प्रेडिक्शन की जा रही है, तो परमेश्वर का वचन
कह रहा है, संकट के दिन मुझे पुकार परमेश्वर को। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा, और बाद में कह रहा है तीसरी बात, तुम मेरी महिमा करोगे। परमेश्वर का वायदा, प्रोमिसिस, वायदे, बाइबल एक बड़ी बहुमूल्य पुस्तक है, ईश्वरीय वचन है, जो कि सृष्टि से लेकर के और न्यू हेवन न्यू अर्थ तक का वर्णन करती है। कोई ऐसा विषय नहीं है संसार का जिसका वर्णन पवित्र बाइबल में नहीं पाया जाता है। पवित्र बाइबल एक समुंदर के समान है, जो समुंदर अपने अंदर बहुत कुछ समाये हुए है। कीमती हीरे मोती समुंदर में पाए जाते हैं। बाइबल के अंदर कीमती हीरे जवाहरात हैं, क्योंकि बाइबल टॉक्स अबाउट क्रिएशन, सृष्टि के बारे में वर्णन करती है, किस तरह से मनुष्य की सृष्टि हुई, किस तरह संसार की सृष्टि हुई, किस तरह से ये सांस हमारे अंदर जो है ये आया। बाइबल पाप के बारे में बताती है कि पाप संसार में कैसे आया। बाइबल मॉरल इंस्ट्रक्शन, नैतिक वचन देती है। बाइबल जीवन और मृत्यु के बारे में बताती है। बाइबल सेकंड कमिंग ऑफ जीसस के बारे में बताती है, रेजोरेक्शन। बाइबल मुक्ति का संदेश देती है। बाइबल अनंत जीवन के बारे में बताती है। बाइबल आशा का संदेश देती है। और बाइबल भविष्यवाणियों की पुस्तक है, जो शुरू से हम देखते आए हैं, और अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि जो परमेश्वर ने वायदा 6000 साल पहले, 5000 साल पहले किया, क्या वो पूरा हुआ या नहीं। और इसी पर्पस से ये 40 वायदे आपके पास ये अभी पहुंचेंगे यूट्यूब पर। बाइबल वर्णन करती है आसमानी बादशाहत के बारे में। बाइबल टाइमली मैसेज देती है, समय के अनुसार आज जो हमें जरूरत है। जैसे मैंने बताया कि जिस द्वार पर आज संसार खड़ा है, एक अनिश्चितता का वातावरण स्थिति पाई जाती है, ऐसे में हमारे पास टाइमली मैसेज है। जो अभी पढ़ा भजन संहिता में 50वां अध्याय, संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छोड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। बाइबल जब हम दुखी होते हैं तो संदेश देती है हमें। बाइबल जब हम खुश होते हैं, जब हमारे घरों में खुशहाली है, हमें संदेश देती है कि हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करते रहें। बाइबल समस्याओं के बारे में बताती है, कैसे इनसे निपटा जाए। पवित्र बाइबल एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताती है। कितनी गहन पुस्तक है, लेकिन आज विषय है बाइबल वायदों की पुस्तक है। कीमती वायदे जो कि आज ओल्ड टेस्टमेंट में लिए हैं, ये मैं एक पर्पस बता रहा हूं पहले सर्मन का। प्रभु ये परमेश्वर ने जो सृष्टि करता, पालन करता, जीवन देने वाला, चंगाई करने वाला है, ये वायदे उसने क्यों दिए। इतनी सारी चीजें मैंने बता दी कि बाइबल इनका वर्णन करती है, लेकिन बहुत अधिकाधिक रूप में वायदों का वर्णन है। क्यों वायदे किए हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारी स्थिति को जानता है, परमेश्वर हमारी मन स्थिति को जानता है, परमेश्वर हमारी कमजोरी को जानता है,
और परमेश्वर ये भी जानता है कि समय समय पर हम संकट का सामना करते हैं, समस्याएं आती हैं, तकलीफें आती हैं। इन सब चीजों को देखते हुए परमेश्वर ने एडवांस में हमें कीमती वायदे दिए हैं। और देखिए, जब हम इन 40 वायदों को, जब ये आपके पास पहुंचेंगे YouTube के माध्यम से, तब आप इसमें देखेंगे कि बहुत से वायदे अधिक से अधिक पूरे हो गए हैं। परमेश्वर ने हमें वायदे दिए क्योंकि वो मनुष्य से प्यार करता है। जब पाप संसार में आया, उसने वायदा किया प्रभु यीशु मसीह के लिए, उद्धारकर्ता के लिए, और वो उद्धारकर्ता 4000 साल के बाद इस संसार में आता है। परमेश्वर ने वायदा किया इशाया की पुस्तक के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और हम देखते हैं कि वो वायदा 600 साल के बाद पूरा होता है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म। मीका नबी ने बताया वो वायदा पूरा हुआ प्रभु यीशु मसीह के लिए कि बैतलहम में वो बालक उद्धार करता है जन्म। तो ये वायदे दिए हैं प्रभु ने हमें क्योंकि वो हमें डिड नॉट वॉन्ट टू लीव अस एलोन, वो हमें अकेला नहीं छोड़ना पड़ता स्ट्रगल में, समस्या में, बाधाओं में, बीमारी में, पेन, सफरिंग, ट्रबल, क्राइसिस। वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। जैसे कि पूरा वर्ल्ड इस समय मुकाबला कर रहा है, फर्स्ट वेव सेकंड वेव में लोगों ने मुकाबला किया, बहुत से लोग संसार से चले गए, अजीज हमारे बहुत से चले गए, कारण ये विपत्ति आई। लेकिन परमेश्वर हमें प्यार करता है और वो हमारे लिए संदेश, आज हमारे लिए ये समय है कि हम उन वायदों पर, जो अभी हम थोड़ी देर में आएंगे, इन 40 में से हम कुछ वायदों को पढ़ेंगे, सब नहीं, बाकी आपको सब YouTube पर मिल जाएंगे। ये परमेश्वर ने ये वायदे दिए अवेकनिंग, जगाने के लिए उसने वायदा किया है। जब हम नींद में सो जाते हैं, हम देखते हैं इलाइजा की मिनिस्ट्री में, जब रानी इज़बेल उसे मारना चाहती थी, वो भाग गया संकट का समय देखकर, छिप गया गुफा में, लेकिन परमेश्वर का दूत उसे हिम्मत अफजाई करता है, भोजन की व्यवस्था करता है। संकट के समय मिलने वाला परमेश्वर, इसलिए दाऊद नबी कह रहा है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छोड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। और दूसरी तरफ यर्मिया नबी क्या कह रहा है, 33वें अध्याय की 7वीं आयत में कह रहा है, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा। आज का समय जो थर्ड वेव अगले हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है, प्रिडिक्शंस आ रही हैं, जब तक ये संदेश पहुंचेगा ये बढ़ रहे हैं। लेकिन यर्मिया नबी के द्वारा परमेश्वर कह रहा है, मैं कठिन कठिन बातें बताऊंगा। तो हमने यहां पर देखा कि परमेश्वर ने ये वायदे क्यों दिए, जाना हमने, अब हम इन वायदों पर आएंगे। अभी हमने जान लिया परमेश्वर के कीमती वायदे ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, और क्यों परमेश्वर ने ये दिए हैं ये भी हमने जान लिया, और हमने आपको पर्पस भी बता दिया इस संदेश का, और आने वाले 3 संदेश का पर्पस भी, पूरे 1 महीने का वर्क, कि ऐसे कठिन समय में परमेश्वर के वायदों को हम मेडिटेट करते रहें,
इन पर चिंतन करते रहें, याद करते रहें। ये देखिए, अब इस समय थोड़ा समय बिताएंगे कि जो ये 40 वायदे तैयार किए गए हैं, जो आपके पास पहुंचेंगे, अगर हम देखिए पहला वायदा ही देखें जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया, उत्पत्ति 12:1-3 में देखिए, वाचा प्रभु परमेश्वर की अब्राहम से, तू अपना देश छोड़ करके निकला। अब्राहम निकल आया, कोई सवाल ना किया, लेकिन परमेश्वर उससे कह रहा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीषों का मूल होगा। ये विचार करने का समय है। ये 40 में से मैं ज्यादा 6-7 वायदे पढ़ पाऊंगा 15 मिनट के अंदर। देखिए परमेश्वर किस समय कह रहा है अब्राहम से, जिस समय उसके पास कोई भी संतान ना थी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा और जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। कीमती वायदा परमेश्वर का ओल्ड टेस्टमेंट का। आप इसको मेडिटेशन करके देखिए। अब्राहम ने विश्वास किया और आज हम लोग अपनी फेम के लिए बहुत कुछ करते हैं। कितने साल तक याद करते हैं लोग, 100, 200, 300 भूल जाते हैं, लेकिन अब्राहम ने कोई प्रयास ना किया, ऐसा कोई कार्य ना किया कि जो लोग उसकी फेम को याद करें। लेकिन परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर ने कहा, तेरे वंश को आकाश के तारों के समान। देखिए क्या ये वायदा पूरा हुआ या नहीं, इसी पर्पस से ये वायदे दिए हैं 40। और जो नहीं हुए हैं, जिन्हें हम देखेंगे रेवोल्यूशन की पुस्तक में, वो पूरा होने के द्वार पर है। आज देखिए संसार के प्रत्येक देश में, राज्य में, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहां ये प्रार्थना नहीं की जाती, अब्राहम इजहार और याकूब के परमेश्वर, कितने साल हो गए, 4,000 साल लोग याद कर रहे हैं अपने अपने घरों में, प्रार्थनाओं में, फेम के लिए कोई कार्य नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का वायदा। ये ही सेम वायदा उत्पत्ति 26:4 में परमेश्वर ने आइज़क से किया, मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा। और ये हुआ। आज देख रहे हैं, पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। अगर परमेश्वर ने ये वायदा किया और ये पूरा नहीं होता अब्राहम इजहाक और याकूब के जीवन में, तो कुछ हम नेगेटिव सोच सकते थे, लेकिन नेगेटिव सोचने के लिए कुछ नहीं है। निर्गमन 15:26 में जो है परमेश्वर यहोवा कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन धन से सुने और जो उसकी दृष्टि में सही है वो करे, तो मैं तुझ पर विपत्तियां नहीं लाऊंगा। याद रखना इस वायदे को, यदि ये वचन तन मन धन से सुने, यदि उसके वायदों पर ध्यान दें, तो वो विपत्तियां तुम्हारे ऊपर नहीं लाऊंगा जो मैं मिस्रियों के ऊपर लाया था। मेडिटेशन, चिंतन मनन के विषय हैं इस आने वाले महीने में। गिनती की पुस्तक 23:19 में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करे, क्या उसका वचन पूरा।
देखिए, परमेश्वर ने जो वायदे पवित्र बाइबल में किए हैं, संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे संभालूंगा, छुड़ाऊंगा विपत्ति से। यर्मिया नबी कह रहा है के द्वारा परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें अभी हम नहीं समझ रहे हैं इन विपत्तियों के बारे में, क्योंकि हम एंड ऑफ द वर्ल्ड के दरवाजे पर आज खड़े हुए हैं। बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर यर्मिया नबी के द्वारा कह रहा है कि मैं कठिन कठिन बातें बताऊंगा। और हमने यहां पर साफ देख लिया कि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोले। यहां पर देखिए आगे व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 13वीं आयत में परमेश्वर का वायदा। परमेश्वर यहोवा मूसा नबी से कह रहा है कि मैंने तुम्हें पूंछ नहीं लेकिन सिर ही ठहराया है, हेड नॉट टेल। ये वायदे मनन करने के हैं। कठिन समय में, लॉकडाउन के समय में, जिनको हम कई महीनों से प्रयास कर रहे थे, तलाश करने लिख रहे थे बराबर, और आज खुदा ने यह मौका दिया है कि हम इन वायदों को आपके सामने जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। व्यवस्था विवरण 31:8, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, तेरे संग रहेगा। यहोवा परमेश्वर का वायदा है, वो झूठा नहीं है। उसने अब्राहम से कहा, पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में उसका वंश, वर्ल्ड में उसका वंश पाया जाता है। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तेरे संग रहूंगा। इन वायदों को गुनगुनाते रहें ऐसे कठिन समय में। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय परमेश्वर बोल रहा है सोलोमन बादशाह के द्वारा, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। देखिए, दीन होकर के प्रार्थना करें इस संकट के समय में, जबकि बहुत कुछ फर्क देश की आर्थिक व्यवस्था पर, हमारी यूनिट्स पर, स्कूलों पर, जो अभी पेरेंट्स भेजना भी नहीं मांग रहे, बहुत फर्क चल रहा है, मार्केट में बहुत डाउन है। लेकिन देखिए परमेश्वर कह रहा है, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर के प्रार्थना करें, मैं उनके पाप क्षमा कर दूंगा। भजन संहिता 29:11 में देखिए कह रहा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। यहोवा वायदा इन ओल्ड टेस्टमेंट, इस तरह से ये 40 वायदे हमारे लिए मेडिटेशन का विषय होंगे आने वाले महीने में, सुबह और शाम, क्योंकि ये पेपर ऐसा नहीं है जो अलमारी में रखा जाए, ये पेपर रख करके बाइबल में हमेशा रखा रहेगा। ये आपके पास बहुत जल्दी प्रयास किया जाएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा मैक्सिमम कि कुछ पेजेस जो हैं वो आपके पास भी पोस्ट पहुंच सकें बाई पोस्ट। लेकिन अगर आप चाहें तो यूट्यूब से जो मैसेज आपके पास पहुंचेगा उसमें से एक पेज निकलवा लें और अपनी बाइबल में अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को आप दे सकते हैं, क्योंकि ये वायदे हैं। जकरिया की पुस्तक में 4:6 में यहोवा परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता पालनकर्ता, देखिए क्या बयान कर रहा है, यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा,
ये पहाड़ टल जाएगा। जो पहाड़ हम देख रहे हैं ये पहाड़ इस तरह का है, जिस पहाड़ ने धनवानों के धन को बेकार कर दिया, बुद्धिमानों की बुद्धि को विफल कर दिया, सुंदरता को विफल कर दिया, अपने बल को विफल कर दिया। इसलिए यर्मिया नबी कह रहा है कि ना मनुष्य धन पर घमंड करे, ना सुंदरता पे, ना बुद्धि, ना ज्ञान पे, अगर आज घमंड करे तो प्रभु परमेश्वर यहोवा पे, वो हमारा सृष्टि करता है। जकरिया 10:1 में देखिए पाया जाता है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, जो बिजली चमकाता है वर्षा देगा और हर एक के खेत में, देखिए खेत आपका परिवार, हर एक परिवार में खुशहाली होगी। उससे मांगे लेटर रेन, अंतिम वर्षा के समय में हम जी रहे हैं, मोहर लगने का समय है, प्रोफेटिक टाइम में हम जी रहे हैं, छठी मोहर के समय, जहां पर फरिश्ते आदेश दे रहे हैं चारों फरिश्तों को, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हवाओं को थामे रहो, समस्याओं को, जब तक हम प्रभु के लोगों पर मोहर ना लगाते। देखिए हर पुस्तक से ये वायदे लिखे गए, ये नहीं एक दो पुस्तक के नहीं है। ईशाया की पुस्तक में कितना सुंदर लिखा है, 48वां अध्याय की 18वीं आयत, भला होता कि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। इस कठिनाई के समय, विपत्ति के समय, बीमारी के समय, अनिश्चितता के वातावरण में, आर्थिक समस्याओं के उसमें, भला होता, परमेश्वर कह रहा है, यहोवा परमेश्वर, तुमने मेरी आज्ञाओं को पालन किया होता। भजन संहिता 91:1 कह रहा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। समस्याओं के दौर में परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ रिश्ता बना करके, लॉर्ड जीसस टेक केयर ऑफ अस, हे प्रभु परमेश्वर हमारी देखभाल कर, और वो करेगा क्योंकि उसका वचन कह रहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करोगे। तीन बातें याद रखना। इस तरह से देखिए बहुत से वायदे हैं जो परमेश्वर ने जो है इजिकेल की पुस्तक में किया है, 34वें अध्याय की 11वीं आयत में, जो सब आयतें यहाँ पर लिखी हुई हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा। आज के इस कठिन समय में परमेश्वर ने ये वायदे क्यों किए हैं, इंट्रोडक्शन में बताया था, प्रस्तावना में, वो हमें कभी अकेला ना छोड़े। यहां पर परमेश्वर कह रहा है, वो झूठा नहीं है, कभी नहीं हो सकता, मैं स्वयं अपनी भेड़ बकरियों की जो है देखभाल करूंगा, मैं उनकी रक्षा करूंगा, मैं उनकी देखभाल करूंगा। ईशाया 42:2 में कह रहा है, यहोवा परमेश्वर तेरा करता यहोवा, जो तुझे गर्व ही से बनाता आया, तेरी सहायता करेगा। यूं कहता है, हे मेरे दास याकोब, मत डर, जनरेशन ऑफ अब्राहम आइसक एंड जैकब, मत डर। इस वातावरण में बहुत से लोग हतोत्साहित हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, व्हाट विल हैपन, लेकिन परमेश्वर का वायदा मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, परमेश्वर बल देगा, परमेश्वर ताकत देगा। भजन संहिता 34:7 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। परमेश्वर का हाथ बचाता है।
इतना छोटा नहीं है प्रभु का हाथ जो मदद ना कर सके, उसके कान बहरे नहीं हैं जो सुन ना सके। प्रभु हमारी आकृति उसकी हथेलियों पर खुदी हुई है। प्रभु परमेश्वर के ये वायदे मैंने आपके सामने रखे हैं, सब मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन जब ये YouTube पर पहुँच जाएंगे तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल पर, और प्रभु आपको प्रेरणा दे, सामर्थ्य दे कि YouTube से आप साइबर कैफे पे इसे निकलवा सकते हैं और अपने रिश्तेदारों को ये संतावना भरे वचन, चिंता ना करो प्रभु परमेश्वर हमें संभालेगा, वो हमारी रक्षा करेगा, हमारे परिवारों की सुधि लेगा, हमारी यूनिट की सुधि लेगा। प्रभु आपको बहुत आशीष बरकत दे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर हमारे सृष्टिकर्ता, चंगाई करने वाले, दुख दूर करने वाले, तेरे वचनों को आज हमने इस संदेश में पढ़ा है, होने दे कि ये हमारे लिए रोज की जीवन की रोटी बन जाए और सुबह शाम इन्हीं वचनों को चिंतन और मनन करते रहें और प्रार्थनाएं करते रहें। इन वचनों के आधार पर हमारा विश्वास है कि प्रभु परमेश्वर तू कभी हमें अकेला ना छोड़ेगा, और प्रभु तू हमें तैयार कर ताकि हम अगला संदेश, कीमती वायदे प्रभु यीशु मसीह के जो कि सुसमाचार में दिए गए हैं, पिता परमेश्वर जो वायदे ओल्ड टेस्टमेंट में किए हैं वो सब के सब पूरे हुए हैं। प्रभु तेरे पवित्र नाम से प्रार्थना करते हुए, कॉलेज के लिए प्रार्थना करते हुए, जहां से तेरा संदेश जा रहा है, जो इसको तैयार कर रहे हैं उन्हें बरकत देना, हमारे परिवारों पर तेरी बरकत, अपने सेवक पर तेरी बरकत हो, उसके परिवार पर बरकत हो जिसने कई महीने से इन चार संदेशों को तैयार किया है, वायदों को तैयार किया है, तो उन्हें भी बरकत देना। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।